सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। इक्वेशन एडिशनल क्वेश्चन बैंक टू सीए फाउंडेशन के लिए चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का और इसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल ऐसा था, क्वेश्चन नंबर 14 था 14 के जैसा ही। हमने क्या करा था, 2x की टर्म्स और x की टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2x + 3 फर्स्ट टर्म्स और थर्ड टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को 2x का x में मल्टीप्लाई किया 2x² माइनस का 2x प्लस का 3x - 3। फिर 3x - 3। 2x का x में मल्टीप्लाई किया 2x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस का 5x प्लस का 5x माइनस 10। ये दो ब्रैकेट्स और ये दो ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। आप जानते हो पहले 2x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को दोनों से, फिर 2x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को दोनों से, 5x माइनस 10, 2x² प्लस का x माइनस का 3। तो 3x में से 2x माइनस का हो जाएगा तो x बचेगा। इसी तरह से ये आ जाएगा 2x², 5x में से 4x माइनस कर देंगे तो 1x माइनस 10 इक्वल टू 30। आपने देखा ये दोनों वैल्यू सेम है, 2x² और x, 2x² प्लस x दोनों वैल्यू सेम है। तो हम मान लेते हैं, लेट 2x² प्लस x इक्वल टू a, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट होंगे हमारे सामने। तो ये आ जाएगा a माइनस 3, यहाँ पर a पुट कर देते हैं और ये a माइनस 10 इक्वल टू कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखो उसको सोल्व करते हैं, a का a में मल्टीप्लाई किया a² माइनस 10a माइनस 3a प्लस 30, और सामने भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। माइनस 3 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाएगा, सामने 30, तो 30 से 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, देखो एक तो आई a² माइनस 13a इजिकल टू 0, माइनस 10 और माइनस 3a माइनस 13a हो जाएगा, इसमें से a कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 13 इजिकल टू 0। तो एक तो a बराबर 0 आ जाएगा आपका, एक a माइनस 13 बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक तो a बराबर 0 आ जाएगा, एक a बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम a बराबर 0 ले लेते हैं और a बराबर 13 ले लेते हैं, ओके। अब a की वैल्यू आपके सामने ऑलरेडी है 2x² प्लस x, तो 2x² प्लस x बराबर 0, और इधर 2x² प्लस x इक्वल टू 13। तो यहाँ पे दोबारा कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे एक तो x बराबर 0 आ जाएगा, एक 2x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, 2x बराबर इधर जाके माइनस का हो जाएगा, देन x इक्वल टू माइनस 1/2। तो एक तो x बराबर 0 आपका आंसर आ जाएगा, एक x इक्वल टू माइनस 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने ऑप्शन में देखा कि 0 और माइनस 1/2, ये ऑलरेडी दो ऑप्शन में दे रखी है, ये ऑलरेडी दो ऑप्शन में आपके दे रखे, जीरो तो सब में ही दे रखा है, तो इससे तो हम वेरीफाई कर नहीं सकते कि आंसर क्या आएगा। एक एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 दे रखा है, ये दो ऑप्शन में दे रखा है, और इसके बाद एक ऑप्शन और दे रखा है, डी नन ऑफ दिस। तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तभी हमको सही क्वेश्चन का आंसर का पता चलेगा, ठीक है। मैंने ये दोनों इसलिए सोल्व किया, सपोज दैट कि चारों ऑप्शन में कोई ना कोई वैल्यू दे रखे, किसी एक वैल्यू में ही 1/2 माइनस का होता या एक वैल्यू में ही 0 होता तो हमको पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा, देन 2x² प्लस एक्स माइनस 13 इजिकल टू 0। इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको और अच्छे से कंसेप्ट बता दूंगा, ये कंसेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी मैंने ऐसा ही मेथड आपको बताया था, फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से मल्टीप्लाई करने से कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो सेम हो जाती हैं, उनको ए पुट करने से इतना बड़ा जो क्वेश्चन है वो
जो है छोटा हो जाएगा। इसमें यदि मैं इसको मतलब पूरा को पूरा सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर जो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। जबकि s से सोर्ट मेथड से करने से ये जो 4 एक्स की पावर 4 की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, तो इससे इसके फैक्टर बनाने ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, आप मैं उस इक्वेशन को सोल्व कर देता हूँ। दो वैल्यू तो आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं, आपके सामने दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक्स बराबर 0 एक्स बराबर -1/2, देन 2x² + x - 13 = 0। इस वैल्यू को मैं सोल्व करके आपके सामने बता रहा हूँ। ए की वैल्यू आपके सामने है 2, बी की वैल्यू यहाँ पर है 1 और सी की वैल्यू है -13। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप जानते हो, x = -b - -b² - 4ac / 2a। तो -b - 1 प्लस माइनस ए बी सी की वैल्यू मैंने आपको बता दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस इक्वेशन को मैं अलग से सोल्व करके बता रहा हूँ। b² - 1² - 4a + c - 13 / 2 * a, तो a की वैल्यू 2 है, मैंने सभी वैल्यू लिख दी, -1 + -1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 104 आ जाएगा, मतलब 13 * 104 और --+/4 -1 + -√105/4। हमने देखा ऐसा आंसर ऑप्शन में है क्या, तो हमने देखा बिल्कुल है ऑप्शन बी में हमारा ये आंसर जो है मैच करता है। तो इस तरह से इसके चार मान आएंगे, एक तो x का मान 0 आ जाएगा, एक x का मान -1/2 आ जाएगा, एक x का मान -1 + -√104/4 आ जाएगा। इसमें दो वैल्यू है, एक तो प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू, तो ऑप्शन बी से हमारे ये सभी के सभी आंसर मैच करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस लेंथी क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। एक वेरीफाइंग मेथड है, तो मैंने आपको बता दिया वेरीफाइंग मेथड, इसमें दिक्कत है। अब एक्स की वैल्यू ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, दिक्कत है सोल्व करने में, √105 तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मेथड भी आपको सीखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन में वेरीफाइंग मेथड, कुछ क्वेश्चन में डिटेल मेथड, दोनों मेथड आपको समझ में आ जाएंगे तो आप लगभग इसके सभी क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको z + √z = दे रखा है 6/25, इसको मुझे सोल्व करना है। तो इसको मैं वेरीफाइंग मेथड से कर लूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो फर्स्ट वैल्यू मैं रखता हूँ तो इधर 5 आ जाएगा 1/5, और 1/√5 है तो 1/√5 को मैं सोल्व कर नहीं सकता हूँ, इसमें 25 दे रखा है, इसलिए एक बार इसको छोड़ देते हैं, इसमें भी नीचे 5 है, इसको भी छोड़ देते हैं, सी ऑप्शन रख के देखते हैं। सी ऑप्शन मैंने इसमें रखा 1/25 + √1/25, इसको मैं जब सोल्व करता हूँ LHS को तो 1/25 तो ऑलरेडी आ गया और ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, इसमें 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। सी ऑप्शन रख के हम देखते हैं, LCM आपके पास आया 25 तो इधर तो आ जाएगा 1 और 5 को 25 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 बन जाएगा 5, तो इधर 5 आ जाएगा, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/25। तो ऑप्शन सी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है पूरी तरह से। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। सी की वैल्यू 1/25 मैंने रखी तो LHS की वैल्यू 6/25 है, जो RHS की वैल्यू से क्या करती है, मैच करती है। तो ये वेरीफाइंग मेथड बहुत जगह काम आता है और बहुत टफ क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मेथड इस क्वेश्चन में आपको यूज में लेना है ताकि आप इजीली कर सको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, आपको वैल्यू दे रखी है z^10 - 33 z^5 + 32 = 0, और आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D। अब वेरीफाइंग मेथड से इसको करेंगे, वरना इसके फैक्टर बनाने तो बहुत टफ है। हालांकि मैं इसको कर सकता हूँ, z^5 को क्या मान सकता हूँ, a मान सकता हूँ, तो इसके मैं फैक्टर इजीली बना सकता हूँ। मान लो ये तो हो जाएगा a² z^10 को मैं लिख सकता हूँ a² बिकॉज आपने z^5 को क्या माना है, a माना है, ओके। देन ये आ जाएगा a² - 33a + 32 = 0, इसके फैक्टर बनाने बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 और उनको प्लस करूँगा तो -33, तो -32a - a + 32 = 0। अब इसमें से कॉमन a ले लेते हैं, आप देखो आप a -32,
इसमें से माइनस वन कॉमन लेते हैं, ए माइनस 32 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टर बना दिए, एक तो ए माइनस 32 कॉमन आ गया आपका, ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस 32 इज इक्वल टू जीरो एंड ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देन ए की वैल्यू आई आपके पास 32 और ए की वैल्यू आई आपके पास 1, दो वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ओके, अब देखो सपोज करो कि आपको ए की वैल्यू 32 दे रखी है आपको। ओके, अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, जेड की पावर 5 इज इक्वल टू 32, जेड की पावर 5 इज इक्वल टू ये 2 की पावर 5 है, देन जेड इज जेड की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वैसे भी आपको एक बात बताऊँ, वेरीफाइंग मेथड से भी आप इसको करो तो देखो 2 तो सब में ही है, तो 2 तो मुझे इसमें वैल्यू रख के चेक करना ही नहीं है। एक आपके पास ए की वैल्यू आई 1, देन जेड की पावर 5 की वैल्यू आपके सामने 1 आई, तो जेड की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 और 2 इसको क्या करें, सेटिस्फाइड करें। आपके कन्फ्यूजन है कि आप इसमें 3 भी रख के देखते हैं, तो देखो मेरे हिसाब से तो आंसर इसका ए आना चाहिए। बाकी आप इसमें 3 रखोगे तो 3 की पावर 10 माइनस 33, 3 की पावर 5 प्लस 32 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखो 3 की पावर 10 को आप जब सोल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 3 की पावर 10 बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, जो जिसमें से मैं 32 प्लस करके इसको माइनस करूँगा तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, आप इजीली चेक कर सकते हो। तो हमने डिटेल में भी आपको बताई दिया, और डिटेल में नहीं है तो सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 2 तो आपको रख के देखना नहीं है, सीधा 1 रख के देखो। आप 1 रख के देखने से इसका वैल्यू 0 आएगी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। 3 की वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। अच्छा, 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो फिर हम सी ऑप्शन भी नहीं देखेंगे, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है ही, 1 आ गया तो इसमें 4 में सी ऑप्शन में 1 है ही नहीं, तो या तो ए ऑप्शन हो सकता था या डी ऑप्शन हो सकता था। लेकिन 3 की वैल्यू रखने से भी इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है, इसका राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इसको डिटेल में मैंने आपको बता ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो देखने में क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं इस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि ऑप्शन में वैल्यू रख के मैं देख लूँगा। सपोज करो कि मैं इसमें 1 रखता हूँ तो 2 1 1 2 1 2 प्लस 1, ये 3 हो जाएगा, और रूट 3 का सोल्यूशन ईजिली नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको नहीं रखता हूँ। 2 भी नहीं रखता हूँ मैं, क्योंकि 2 2 4 प्लस 1 रूट 5 हो जाएगा, नहीं आएगा। 3 रखते हैं, 3 2 6 7 नहीं। अब एक काम करते हैं, 4 2 8, 4 इसको सेटिस्फाई करें। एक बार देखो इसमें 4 मैं रखता हूँ, जेड की जगह है, तो 2 4 प्लस 1 प्लस 3 4 प्लस 4, तो 4 2 8 प्लस 1 प्लस 4 12 12 और 4 16, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 12 में 4 प्लस करा तो कितना आया, 16 आया, और ये आया 9 प्लस 16, 8 प्लस 9, और इसका स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर रूट 4, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसको क्या करा, सेटिस्फाइड करा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वेरीफाइंग मेथड से, मैंने इसमें 3 रखा तो मैंने देखा 3 2 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू है वो रेशनल नंबर या जो है इंटीजर पार्ट नहीं आ सकता, इसलिए इन तीनों से जो है इनकी वैल्यू का इंटीजर पार्ट नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ऑप्शन 4 रख के देखा। फोर्थ ऑप्शन में जेड की वैल्यू आपको दे रखी थी 4, इसको रखने से परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने आ गया 9 9 का परफेक्ट स्क्वायर, आप मतलब 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 4, और इनको मैं प्लस करता हूँ तो हमारा आंसर कितना आता है, 7, जो RHS की वैल्यू से मिल खाता है। तो इस तरह से आपने ये चारों क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से समझे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस कुछ ना कुछ इक्वेशन में बढ़ा होगा। अब आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आप वीडियो को लगातार देखते रहें, खूब मेहनत करें, लगातार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, और आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, आप लगातार वीडियो को देख रहे हो, तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू।